डियर स्टूडेंट्स, पिछले दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स एंड ऑन दैट बेसिस हमने क्लासिफाई किया है सॉलिड्स को इनटू सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। उसके बाद हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा था सेमीकंडक्टर्स का, जहां पे हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स भी डिस्कस किए थे और उसके रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने देखे थे। आज हम यहाँ पे इस पार्ट पे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा आप पहले याद रखेंगे वो ये है कि अब हम सेमीकंडक्टर्स की जब भी बात करते हैं तो हमारे लिए दो बैंड्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, दैट इज द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये बैंड्स हमारे लिए बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट्स फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम जीरो केल्विन की बात करेंगे तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहता है। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, वहां पे अब क्या होता है कि सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, और पीछे क्या छोड़ते हैं वो होल्स, वैकेंसी। सो अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वो ये है कि हमने यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या नेसेसिटी है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को लेना है कहां से, वैलेंस बैंड से हमने लेना है इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड। सो हमने अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना है, यानी इलेक्ट्रॉन आप ऊपर कंडक्शन बैंड में ले जाएंगे तो नीचे बनेगा वैलेंस बैंड में होल। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए हमारे लिए नेसेसिटी ये रहती है कि हमने इलेक्ट्रॉन को लेना होता है वैलेंस बैंड से कहां, कंडक्शन बैंड। तो जरा मुझे बताएं मिनिमम एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर हमने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेना है तो उसके लिए मिनिमम एनर्जी मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी गैप, ये ईजी। जो बैंड गैप है, बैंड गैप यहां पर आएगी मिनिमम एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब मुझे बताएं यहां पे अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, सो दैट इज मिनिमम एनर्जी टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इट इक्वल्स द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर की बैंड गैप के बराबर आएगा। चलो अब हमेशा याद रखेंगे, अगर आप यहां पर बैंड गैप या बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे, अगर आप बैंड गैप या बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाएंगे। सो और वहां पे कंडक्टिविटी जो है या रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो जाएंगे सेमीकंडक्टर में। अब अगर आप एनर्जी सप्लाई करते हो लेस देन द बैंड गैप, अगर आप बैंड गैप से कम एनर्जी सप्लाई करते हो तो उस केस में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। So, इस केस में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। सो दैट इज इन शॉर्ट हम ये याद रखेंगे, अगर हमने इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना है या अगर हमने कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की चेंज करनी हो तो हमने मिनिमम एनर्जी उसको कितनी देनी है, दैट्स इक्वल टू द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। चलें अब हमने ये याद रखा है तो क्वेश्चन नंबर वन हम पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन यहां पर है, where given the energy of photon of sodium light equals the band gap of semiconductor, yani sodium light jiski wavelength kitni hai 589 nanometer, ye hai wavelength of the sodium light and it equals the band gap of the semiconductor. to humne nikala yahan pe minimum energy required to create electron hole pair, to ab humne pata hai minimum energy required to create electron hole pair it equals the band gap. और बैंड गैप मुझे पता है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन, वो इस फोटॉन की एनर्जी के बराबर आता है। तो हमने पता है अगर वेव लेंथ ऑफ फोटॉन इज गिवन तो हम निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या आएगी, इट विल बी एच सी बाई लैम्डा। सो नाउ वी आर गिवन लैम्डा इन नैनोमीटर्स, तो आई कैन राइट एच सी इन नैनोमीटर्स। हमने पता है एच सी का वैल्यू होता है 1280 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, h प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू c, जब हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं इनके तो हमें मिलता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर।
तो नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसल्स, 589 इनटू अराउंड आएगा ये 2.1, अराउंड आएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन होल. सो दैट मींस द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर इक्वल्स द बैंड गैप एंड दैट्स इक्वल टू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. अब मुझे बताया जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पे, वो भी आप सिमिलरली आप कर सकते हो. आप क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पे, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज चले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट. यानी अगर आप वेवलेंथ जो है लाइट की वो है 2480 नैनोमीटर, 2480 नैनोमीटर, अगर वेवलेंथ शॉर्टर देन दिस वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस वेवलेंथ या इससे कम है, तो देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती है सेमीकंडक्टर में. हमने बोलना है बैंड गैप सेमीकंडक्टर की क्या होगी. हमने पता है बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर इक्वल्स द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर. So band gap of a semiconductor, it equals the minimum energy required to create an electron hole pair. अगर हम ये energy supply करेंगे in the form of electromagnetic radiation, that's in the form of photons, अगर हम ये energy supply करेंगे, तो हमने पता है photon की energy क्या होगी, hc by lambda. Since मुझे energy minimum चाहिए, तो wavelength क्या आएगा, maximum. So that means minimum energy required to create electron hole pair, जिसकी वजह से conductivity increase हो जाएगी. So that equals the band gap. And minimum energy is supplied in the form of photons. That is hc by lambda. लेकिन अगर energy minimum है तो wavelength क्या होनी चाहिए? Maximum होनी चाहिए. तो अब यहाँ पर this is the maximum wavelength that can change the conductivity, that can increase the conductivity. So that is ये lambda maximum क्यों है? क्योंकि इसने question में ही दिया है wavelength shorter than 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट. जब वेवलेंथ इससे कम आप इंसिडेंट करेंगे तब कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सो दैट इज दिस द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी. सो अब मैं इसको वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, इट्स अगेन 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्सिमम इज 2480 नैनोमीटर. नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसल्स, 00 कैंसल्स, it is 1 by 2, that is around 0.5 electron volt. So the band gap of the semiconductor will be 0.5 electron volt. So isi tarah question number 3 hai hamare paas. Chale question number 3 ko agar hum dekhenge yahan pe, so question number 3 hamare paas hai, wavelength of light that may excite an electron in valence band of diamond to the conduction band. Energy band gap of diamond is 5.5 electron volt. So band gap of diamond is 5.5 electron volt. देखो, ये suppose है valence band, ये है conduction band. हमने यहाँ पे electron को excite कराना है valence band से conduction band में, valence band से electron को लेना है conduction band में ऐसे. So मुझे बताएं minimum energy हमें कितनी जरूरत पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेने के लिए. सो दैट मींस हमें यहां पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू बैंड गैप और ग्रेटर देन बैंड गैप. एनर्जी सप्लाइड इट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू बैंड गैप, तब जाकर यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है कंडक्शन बैंड में. सो दैट मींस एनर्जी सप्लाइड इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू बैंड गैप. और बैंड गैप मैंने पता है यहाँ पे इट इज इक्वल 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. सो दैट मींस ई इट कैन बी रिटन एज सी बाय लैम्डा, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये लैम्डा ऊपर जाएगा 5.5 नीचे आएगा. सो लैम्डा शुड बी लेस आर इक्वल टू एच सी बाय 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और एच सी मैंने पता है वैल्यू इसका, it is 1240 electron volt nanometer divided by 5.5 electron volt. So jab hum iska values dekhenge lambda turns out to be less or equal to 26 nanometer.
So that means if the wavelength is less or equal to 226 nanometer, then and only then electrons will be excited from valence band to the conduction band. So इसमें जो A option है खाली वो satisfy हो रहा है. So 312 इससे ज्यादा है, 432 भी इससे ज्यादा है, 550 भी इससे ज्यादा है. तो खाली ये 226 nanometer जो है ये यहाँ पे electron को excite कर सकता है. Now अब हमारे पास दूसरा question है यहाँ पे. चले सो क्वेश्चन है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन क्रिएट होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन जर्मेनियम गिवन बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम इज गिवन. बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो हमने यहां पर देखना है कि किस वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो सकता है. तो जरा यहां देखें, अगर ये फॉर एग्जांपल वैलेंस बैंड है, सपोज ये क्या है यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, तो बैंड गैप यहाँ पे गिवन है ईजी सपोज. अब मुझे बताया अगर आपने जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना है तो मैंने इलेक्ट्रॉन को कहां से लेना है? वैलेंस बैंड से मैंने कंडक्शन बैंड में लेना है. मिनिमम एनर्जी मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड? दैट इक्वल्स द बैंड गैप. सो दैट मीन्स E minimum energy that will be required to create electron hole pair, that equals the band gap. E minimum, this energy is supplied in the form of radiation. So मैं लिख सकता हूँ इसको hc by lambda max, क्योंकि lambda और energy में inverse relation है. So it is equal to Eg is 0.72 electron volt. और lambda max जो आएगा maximum wavelength that can create electron hole pair, that is equal to Hc by 0.72. Hc is 1240 electron volt nanometer divided by 0.72 electron volt. So electron volt cancels. So अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1240 divided by 72, तो इसका अगर मैं calculation देखूँगा, इसका calculation आएगा यहाँ पे. So it is 1240 divided by 0.72. It turns out to be lambda max turns out to be 1722.2 nanometer. This is the maximum wavelength that can create electron hole pair. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है ये meters में है options, इसलिए हम इसको meter में convert कर सकते हैं. So मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे it is 1722.22 into 10⁻⁹ meter. देखो अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 1.722 into 10⁻³. 1.722 into 10⁻³. So 10⁻+3 और 10⁻⁹ आएगा. It will be 1.722 into 10⁻+3 into 10⁻⁹. So it is 10⁻⁶ meter. So 1.7 into 10⁻⁶ meter जो है ये इसका correct option है. So this is the maximum wavelength that can create electron hole pair. तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन. चले सो अब तक जो क्वेश्चंस आपने देखे यहां पे इनका नेचर एक जैसा था कि आपने अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी या आपने रेजिस्टिविटी अगर चेंज करनी होगी तो वहां पे हमने उसके लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. दैट एनर्जी सप्लाई मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द बैंड. So band gap के corresponding जो energy आएगी that will be minimum energy और उसकी corresponding wavelength आएगी maximum wavelength. So ये आप याद रखेंगे. Now question number 5 है यहाँ पे in pure semiconductor. अब pure semiconductor की बात आती है. Pure semiconductor मीन intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors में आपने पता है electron carrier concentration equals the hole carrier concentration and that's equal to the intrinsic carrier concentration. ये हमने पता है यहाँ पे. अब यहाँ पे question है number of conduction electrons is Ne is given. Number of conduction electrons 6 × 10⁻¹⁸ per cubic meter. यानी अगर आपके पास एक सैंपल है 1 meter × 1 meter × 1 meter, ये हमारे पास अगर सैंपल है तो इस सैंपल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें. लेकिन हमने क्या निकालना है? हाउ मेनी होल्स आर देयर इन ए सैंपल ऑफ साइज 1 centimeter × 1 centimeter × 1 millimeter.
सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, इस सैंपल में मैंने बोलना है कितने होल्स होंगे। सो क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर है, जितने इस सैंपल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इसमें होल्स भी होंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूंगा इस सैंपल में, फिर उतने ही यहाँ पे होल्स भी आएंगे। चलो अब मुझे बताएं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर यानी 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल 6 × 10^18। इट इज गिवन। नाउ लेकिन सैंपल का साइज मेरे पास है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर। जरा मैं इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 यानी 10^2 सेंटीमीटर क्रॉस, मीटर इज 10^2 सेंटीमीटर क्रॉस, यहां पे है मिलीमीटर, इसलिए मैं इसको मिलीमीटर में लिखूंगा 10^3 मिलीमीटर इज इक्वल 6 × 10^18। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मीन 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मीन 1000 क्यूबिक मीटर, मिलीमीटर दैट इज इक्वल 6 × 10^18। चले मैं यहाँ पे खाली 1 सेंटीमीटर रखूंगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रखूंगा, यहाँ पे 1 मिलीमीटर रखूंगा, तो मैंने 10^2 ये मैं इधर से डिवाइड करूंगा, ये 10^2 भी इधर से डिवाइड होगा, 10^3 भी इधर से डिवाइड होगा। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 मिलीमीटर इज इक्वल 6 × 10^18 डिवाइडेड बाई 10^2, 10^2, 10^3, so it is 10^7 divided by 10^7. 10^7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, so number of electrons will be 6 × 10^11. This will be number of electrons. और number of holes भी नहीं होंगे, क्योंकि ये pure semiconductor है, so that number of holes will be 6 × 10^11 in 1 centimeter cross 1 centimeter cross 1 millimeter block. तो इस तरह से हम ये questions करते हैं। Now, इसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है। चले क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10^28 एटम्स पर क्यूबिक मीटर, यानी नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स और 5 × 10^28 पर क्यूबिक मीटर। It is doped by 1 ppm concentration of pentavalent arsenic. 1 ppm means 1 part per million. That is corresponding to 1 million of pure semiconducting atoms. There is one impurity atom. चले number of holes is, हमने number of holes निकाले। जरा मैं मुझे पहले बता दीजिए, अगर आप pentavalent impurity इसमें add करते हो, अगर आप इसमें pentavalent impurity add करते हो arsenic, आर्सेनिक जो है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, तो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर एन टाइप होगा कि पी टाइप होगा, डेफिनेटली वो एन टाइप आ जाएगा। सो दैट मींस पहले हमने पता है रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर विल बी एन टाइप, एन टाइप में हमने पता होता है मेजर की कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट मींस एन ई इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डोनर कंसंट्रेशन एन डी। तो अब डोनर मैंने यहां पे देखने कितने आएंगे अकॉर्डिंगली, फिर मैं होल कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं। देखो यहां पे मैंने पता है यहां पे फॉर वन, फॉर एग्जांपल फॉर 10^6 सिलिकॉन एटम्स के कॉरस्पॉन्डिंग आता है एक आर्सेनिक एटम, क्योंकि 1 part per million मीन्स 1 आर्सेनिक एटम फॉर 1 million ऑफ सिलिकॉन एटम्स, सो दैट मीन्स फॉर 1 आर्सेनिक एटम देयर आर 10^6 सिलिकॉन एटम्स। लेकिन मेरा जो सैंपल है, मेरे सैंपल में कितने सिलिकॉन एटम्स हैं, 5 × 10^28। चले मैं इसको बनाना चाहूंगा 5 × 10^28, तो मैंने इसको मल्टीपल करना होगा 5 × 10^22, मैं इसको मल्टीपल करूंगा, इधर से भी मैं मल्टीपल करूंगा 5 × 10^22 और अपना है यहाँ पे 10^6 सिलिकॉन एटम्स। सो दैट मीन्स फॉर 5 × 10^28 सिलिकॉन एटम्स मेरे पास यहाँ पर इंटू, यहाँ पर है ना अपना 1 आर्सेनिक एटम, तो यहाँ पे मेरे कितने आर्सेनिक एटम्स आएंगे, 5 × 10^22 आर्सेनिक एटम्स। सो देयरफॉर दैट मींस अगर यहाँ पे डोपिंग लेवल है 1 part per million,
That is, for one arsenic atom, there are 10 power 6 silicon atoms. So, for 5 into 10 power 28, for 5 into 10 power 28 silicon atoms, there will be 5 into 10 power 22 arsenic atoms. तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. सो दैट मीन्स Md मेरे पास आ गया, डोनर कंसेंट्रेशन कितना आ गया, 5 into 10 power 22 पर क्यूबिक मीटर. ये आ गया मेरे पास डोनर कंसेंट्रेशन. अब मैंने निकालना क्या है, होल कंसेंट्रेशन. सो NH मैंने निकालना है, NH. अगर आपको याद होगी रिलेशन, लाप्लास एक्शन Ni square divided by Ne, क्योंकि Ne into NH is equal to Ni square. So, यहाँ पे NH आएगा Ni square by Ne, which implies whole concentration will be equal. Ni is 1.5 into 10 power 16 per cubic meter का whole square divided by Ne. It is 5 into 10 power 22 per cubic meter. Per cubic meter एक cancel होगा, लेकिन एक बचेगा per cubic meter. So, therefore, NH whole concentration will be equal to, so ये बनेगा 10 power 32. 10 power 32 और 10 power 22 cancel होंगे, वहां पे बचेगा 10 power 10, 10 power 10 per cubic meter. और बचेगा 1.5 का square, it is 2.25 divided by आएगा 5. So it will be equal to, अब यहां पे मैं इसमें से एक 10 इधर लिया आता हूं, it will be 22.5 by 5, that is 4.5 into 10 power 9. Per cubic meter. So this will be the number of holes. Hole concentration will be 4.5 into 10 power 9 per cubic meter. देखो, अब ये मैंने यहाँ पे एक लंबा मेथड आपको सिखाया है, लेकिन आगे से जहां पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आगे से जहां पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इसको ऐसे इन शॉर्ट कट में आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो डोपिंग लेवल है, इट इज 1 ppm. तो प्योर सेमीकंडक्टिंग एटम से आपके पास 5 into 10 power 28 पर क्यूबिक मीटर. जो यहां पे कंसंट्रेशन, ये पेंटावेलेंट कंसंट्रेशन है. पेंटावेलेंट कंसंट्रेशन विल रिजल्ट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. तो एन टाइप में मेजर आते क्या होते हैं, डोनर कंसंट्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन. Ne विल बी इक्वल टू Nd, डोनर कंसंट्रेशन. And that will be equal to 5 to 10 power 28 divided by आप करेंगे डोपिंग लेवल. डोपिंग लेवल क्या है, 1 मिलियन. So that is 10 power 6. So it will turn out to be 5 to 10 power 22 per cubic meter. So yeah, again, donor concentration. So whole concentration of simply nikalenge phir Ni square by Nd or Ne. So it will be equal to jo bhi humne kiya hai, 1.5 into 10 power 16 per cubic meter ka whole square divided by Ne, aage 5 into 10 power 22 per cubic meter. Per cubic meter ye cancel hoga. 22 ये बनेंगे 32, तो वो कैंसिल होंगे, 10 पावर 10 बचेगा. सो 10 पावर 10 पर क्यूबिक मीटर बचेगा, ये बचेगा फिर से 2.25 बाय 5 इनटू 10 पावर 10, तो ये बचेगा लास्ट में आपका NH, इट विल बी इक्वल टू 4.5 इनटू 10 पावर 9 पर क्यूबिक मीटर. सो ये आ गया हमारे पास फोर कंसंट्रेशन. इसके बाद का क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 7. हमारे पास है semiconductor has equal electron and hole concentration. So that is Ne is equal to NH. And it turns out to be 6 into 10 power 18, sorry, 8 per cubic meter. That means it is for a pure semiconductor. So we can call it as intrinsic carrier concentration. Ne is equal to NH. That is equal to 6 into 10 power 8 per cubic meter. Now, on doping with certain impurity, अब आप इसमें impurity add करते हो, electron concentration increases to, अब जो electron concentration बनती है, electron concentration increases to 9 into 10 power 12 per cubic meter. देखो, अब मुझे बताए initial electron concentration कितनी थी, 6 into 10 power 8, अब कितनी बन रही है, 9 into 10 power 12, so that means electron carrier concentration increases. इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, तो दैट मींस यहां पे जो डोपिंग आपने की होगी, इट विल बी अ पेंटावेलेंट नेचर. तो ये पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी आपने ऐड की होगी, क्योंकि उसी की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं एज मेजॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो गया, दैट मींस आपने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड की है. सो दैट मींस रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर विल बी एन टाइप. ये एन टाइप्स यहां पे आएगा. चले, सो द होल कंसंट्रेशन इज, हमने यहां पे होल कंसंट्रेशन निकालनी है. इसके लिए हमने होल कंसंट्रेशन निकालनी है.
चलो इजी क्वेश्चन है। सो अब आपने पता ये एन टाइप बना यहाँ पे। सो एन टाइप में अब इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन बनी है 9 × 10^12 m³। तो होल कंसंट्रेशन इसमें माइनॉरिटी में आएगी। सो एन एच विल बी इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ई। Ni square, Ni is given, that is जो पहले pure semiconductor में जहाँ पे electron carrier concentration, hole concentration equal थी, so that's equal to the intrinsic carrier current, that is 6 × 10^8 per cubic meter का whole square divided by Ne, Ne is 9 × 10^12 per cubic meter. एक per cubic meter cancel होगा, एक बचेगा, so यहाँ पे 10^8 का स्क्वायर आएगा 10^16, 10^16 और 10^12 कैंसिल होंगे तो वहां पे बचेगा 10^4 पर क्यूबिक मीटर और बचेगा 6² = 36 डिवाइडेड बाय 9, सो इट इज 4 × 10^4 पर क्यूबिक मीटर। दिस विल बी द होल कंसंट्रेशन इन दैट केस। तो अब जो नई होल कंसंट्रेशन बनेगी इट विल बी 4 × 10^4 पर क्यूबिक मीटर। चले अब उसके बाद है क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अब क्या है क्वेश्चन, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन प्योर सिलिकॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस आर इक्वल। सो दैट मींस Ne इज इक्वल टू Nh इन प्योर सेमीकंडक्टर। ये वही से कह रहा है इट इज इक्वल एट 27 डिग्री सेल्सियस और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2 × 10^16 per cubic meter. So that means it will be equal to intrinsic carrier concentration. It's for pure silicon. Now on doping with indium. जरा मुझे बता indium trivalent है कि pentavalent है? Indium क्या है? It's trivalent. So trivalent की वजह से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे resulting semiconductor? It will be now p-type semiconductor. ये p-type semiconductor बनेगा क्योंकि आपने इसमें indium dope किया है। On doping with indium, the hole density increases to, अब जो hole density बन रही है, hole carrier concentration बन रही है, वो कितनी आ रही है? 4.5 × 10^ it's actually 22, it's 22 per cubic meter, it's not 10^2. Hole concentration becomes 4.5 × 10^22 per cubic meter. The electron density, यानी अब आपने Ne निकालना है, आपने Ne निकालना है इसमें। चलें फिर से आप यही सेम क्वेश्चन है। सो Ne डैश आपने पता इट विल बी इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइड बाय Nh डैश क्योंकि Ne इनटू Nh इज इक्वल Ni स्क्वायर। सो Ni इट इज 2 × 10^16 पर क्यूबिक मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Nh इट इज 4.5 × 10^22 पर क्यूबिक मीटर। एक पर क्यूबिक मीटर कैंसिल होगा तो ये बनेगा 10^16² = 10^32, 10^32 / 10^22, सो उसमें 10^22 कैंसिल होंगे तो 10^10 बचेगा और बचेगा ऊपर 2² दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 4.5 पर क्यूबिक मीटर, ये बचेगा Ne डैश। चले अब इसमें आप देख सकते हो इसमें ये मैं इधर ला सकता हूं यहाँ पे ये बनेगा 40 ऊपर एक टाइम मैंने इसमें लाया 40 डिवाइडेड बाय 4.5 9 × 10^9 चले क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। आप जरा क्वेश्चन को देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सैंपल ऑफ इंट्रिंसिक जर्मेनियम आर। सो दैट मींस म्यू ई इज 0.54 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट ऑफ होल म्यू एच भी गिवन है, मोबिलिटी ऑफ होल इज 0.18 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। सो नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटीज आर इक्वल, Ne इज इक्वल टू Nh एंड इट इज इक्वल टू 3.6 × 10^19 पर क्यूबिक मीटर। निकालना क्या है,
द जर्मेनियम कंडक्टिविटी इज, यानी हमने कंडक्टिविटी इन जर्मेनियम निकाल ली है, यहाँ पे सिग्मा निकाला हमने। जरा मुझे बताएं इसमें गिवन क्या है, Ne is equal to NH, तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? इट विल बी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन इक्वल होती है, एंड दैट इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक एरिया कंसंट्रेशन। तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अगर आपको रिलेशन याद होगी, इट इज ई एन आई म्यू ई प्लस म्यू एच। E, it is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Ni, it is 3.6 into 10 power 19. Mu E, it is 0.54 plus mu H, 0.18. It will be conductivity, that is ohm inverse, meter inverse, mean per meter. So, ये आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। 10 पावर माइनस 19, 10 पावर प्लस 19 यहाँ पे कैंसिल ही होगा, तो इट इज 1.6 इंटू 3.6 इंटू ये आएगा यहाँ पे 0.72 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आप इसमें देखिएगा कौन इसमें सेटिस्फाई होगा, चार ऑप्शन नीचे है, ओम इनवर्स मीन सेवन एस, सो इसमें आएगा ये ऑप्शन, आप इसको सॉल्व खुद ही कर सकते हो आगे से। नाउ क्वेश्चन नंबर है 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 है। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ए ब्लॉक ऑफ प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज अ लेंथ ऑफ, लेंथ इज गिवन 10 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 0.1 मीटर। चले एरिया, एरिया इज गिवन टू बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर हम इसको मीटर्स में लेंगे, सेंटीमीटर के पहले हम लिखेंगे 10 पावर माइनस 2 मीटर, 10 पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर, सो इट इज 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। चले हो गया ये। ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, वोल्टेज है यहां पे 2 वोल्ट, is connected across it. मान लीजिए आपके पास ये एक semiconducting block है of length L, इसकी length L है, इसका cross sectional area A है, इसके across आपने एक battery यहाँ पे connect की है, जिसकी जिसका EMF है 2 volt. अब question क्या है? The mobility of electrons is and their density is, mobility of electron mu e, it is 0.14 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, एंड द नंबर डेंसिटी एन ई, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इक्वल टू 1.5 इनटू 10 पावर 16 पर क्यूबिक मीटर। द इलेक्ट्रॉन करंट इज, हमने खाली इलेक्ट्रॉन करंट निकालना है, आई आई ई। जैसे कल आपने देखा यहां पे लेक्चर में कि इसमें दो करंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड होल करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जब आप लेंगे तो सिंपली ई एन ई ए वी डी, आप ये रिलेशन लेंगे, वाई बी डी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर होल भी इसमें हम ऐड करेंगे तो इट विल बी ई एन एच ए वी एच। चलिए खाली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करंट है इसलिए मैंने ई एन ई ए वी डी लिखा है। सो ई ऐसे रखेंगे हम, एन ई इज गिवन, ए इज गिवन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें नहीं पता है, हमें यहाँ पे गिवन है मोबिलिटी। तो हमने पता है मोबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी इज डिफाइंड एट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वीडी के बदले हम लिखेंगे म्यू ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेमीकंडक्टिंग ब्लॉक, इट इज गिवन टू बी वी वोल्ट सपोज, और लेंथ आपने पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इट इज ई एन ई ए म्यू ई इनटू वी बाई एल। जैसे आपने पता है अगर दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है डी और पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो फील्ड जो आएगा इसमें फील्ड विल बी बी बाई डी, तो वही मैंने यहां पर समझो किया है, ई इज इक्वल टू बी बाई एल। जरा मुझे बताया आप इलेक्ट्रॉनिक करंट कितना आएगा, अब यहां पे आपने पता है ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, एन ई का वैल्यू गिवन है 1.5 × 10⁻¹⁶, ए का वैल्यू हमने पता है इट इज 10⁻¹⁴, न्यू ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉरी मोबिलिटी आपने पता है 0.14 है। ये सारे ऐसा यूनिट्स में, इसलिए मैं यहाँ पे यूनिट साथ नहीं रखता हूँ, डिवाइडेड बाई एल। लेंथ कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में 0.1 मीटर, सारे ऐसा यूनिट्स में, इसके इलेक्ट्रॉनिक करंट जो आएगा ये ऐसा यूनिट में होगा इन एम्पियर्स, ये एम्पियर्स में हमें ये रिजल्ट मिलेगा।
यू सॉल्व दिस, आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा. सो जो आपको यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है वो आप चूज करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन क्या है, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज अ रेजिस्टिविटी, यानी रूह इज गिवन, रेजिस्टिविटी इज 0.50 ओम मीटर एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, फाइंड द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. हमने निकालना क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमने निकालनी है. इफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल्स आर म्यू ई इज इक्वल 0.39 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड एंड म्यू एच होल मोबिलिटी इज 0.11 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. दिस इज गिवन. हमने निकालना क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. सो दैट मींस इट इज ए प्योर सेमीकंडक्टर, इट इज गिवन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो प्योर सेमीकंडक्टर में पता हमने एन ई और एन एच इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू एन आई. तो मैंने पता है कंडक्टिविटी के लिए रिलेशन आते ई एन आई म्यू ई प्लस म्यू एच, यही आता है. सो अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी आती है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. सो दैट इज रो विल बी इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, सिग्मा इज ई एन आई म्यू ई प्लस म्यू एच. नाउ रो इज गिवन, एन आई मैंने कैलकुलेट करना होगा. सो इंप्लाइज जो एन आई आएगा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ये मैं ऊपर ले जाऊंगा, रो नीचे आएगा. सो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1 बाय ई रो म्यू ई प्लस म्यू एच. ये आ गया हमारे पास इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. तो अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. आप 1 बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 रो, इट इज गिवन टू बी 0.50 असाइनमेंट्स में. म्यू ई, म्यू ई कितना है 0.39, म्यू एच है 0.11. सो 0.39 प्लस 0.11 सारे असाइनमेंट्स में, इसलिए एन आई का असाइनमेंट आएगा दैट्स पर क्यूबिक मीटर. सो यू कैन कैलकुलेट इट, 1 डिवाइडेड बाय शाबाश 1.6 इनटू 0.50 सो इट इज 16580 सो इट इज 0.8 इनटू, देखो 0.39 प्लस 0.11 इज 0.50 0.5 इनटू 10 पावर माइनस 19 10 पावर माइनस 19 पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर. देखो 0.5 इंटू 8 इज 0.4 0.4 10 पावर 19 ऊपर बनेगा प्लस 10 पावर 19 सो इट विल बी अराउंड. सो 1 बाय 0.4 इंटू 10 पावर 19 पर क्यूबिक मीटर. सो विच विल बी इक्वल टू 8 10, हम छोड़ेंगे यहाँ पे, इट्स 10 बाय 0.4 इट्स अराउंड 2.5 सो 2.5 इंटू 10 पावर 18 पर क्यूबिक मीटर. तो अगर इसमें कोई ऑप्शन है तो वो इसमें सेटिस्फाई होगा, 1.10 पावर 18 पर क्यूबिक मीटर, 2.5 इंटू 10 पावर 18 है, इट्स नॉट 19, 10 पावर 18 आएगा. सो यू कैन डू इट. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास अब. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम इज म्यू ई, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज इज, ये तो पता ही होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. द नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर क्यूबिक मीटर इन सेमीकंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी, अब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी गिवन है, इट इज 500 मोह पर मीटर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. सो दिस इज द गिवन पैरामीटर. हमने निकालना क्या है, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर क्यूबिक मीटर यानी एनडी, एनडी आपने निकालना है. सो अब यहां पे आप इसको कंसिडर करेंगे एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर कंसेंट्रेशन किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसेंट्रेशन के बराबर आ जाती है. सो एनडी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ई. सो और उसमें हम होल का कंट्रीब्यूशन कंडक्टिविटी में नेगलेक्ट करेंगे. सो अब वहां पे आप कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन लिखते हो ई
एन ई म्यू ई और विच अप्रोक्सीमेटली ई एन डी म्यू ई, ये आप वहां पे देते हो कंसेंट्रेशन के लिए एन डी। अब मुझे बताए एन डी कितना आएगा, सो एन डी विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई ई म्यू ई। सिग्मा इज 500, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 × 10⁻¹⁹, म्यू ई इज 0.4, ये सारे ऐसा है इसलिए ऐसा लिमिट आएगा कंसेंट्रेशन का, दैट्स पर क्यूबिक मीटर। सो अब यहां पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये बनेगा ऊपर 0.-19, ऊपर बनेगा +19, सो अकॉर्डिंग फिर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ रिजल्ट, तो आपको इसका रिजल्ट जो है वो आप निकाल सकते हो, आप इसको आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए आप इसका वैल्यू क्या है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 13 है, चले क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वे आर गिवन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो पता है मोबिलिटी की डेफिनेशन जो आती है, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात होती है, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन ई इज इक्वल टू 10⁻¹⁹ पर क्यूबिक मीटर। ये एन टाइप है, इट इज सेड दैट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻¹⁹, नॉट 19, इट इज 10⁻¹⁹ एंड देयर मोबिलिटी इज 1.6, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इट इज 1.6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। चले इसके बाद क्या है, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, हमने रूह निकालना है, रूह आपने इसके लिए निकालना है, इट इज गिवन इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप होल का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट करोगे, सो जो रूह आएगा इट इज 1/σ, सो इट इज 1/σ इज ई एन ई म्यू ई। नाउ द पैरामीटर्स आर गिवन, इट इज 1/E, it is 1.6 × 10⁻¹⁹, Ne it is 10⁻⁹, mu e it is 1.6, so ye SI unit aayega, it is ohm meter, ye aayega yahan pe answer iska, so ye banega 10⁻⁹, +9 − 19 is 10⁻⁹, wo banega upar 10⁻+10, so rho will be equal to 10⁻¹⁹ divided by 1.6 × 1.6 is 2.56, ये इसका आंसर आएगा 4 × 10⁻¹⁹, तो आप एन ई का वैल्यू लेंगे 10⁻¹⁹, तो यहाँ पे 10⁻¹⁹ आएगा ऐसे, सो इस तरह ये 10⁻¹⁹ और 19 कैंसिल होंगे, इट विल बी 1, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2.56, सो इट विल बी 0.4 ohm meter, so जो D option है फिर वो आएगा इसमें, so आप इसको question में आप correction करेंगे, जो NE का value है वो आप रखेंगे 10⁻¹⁹, तब आप जाकर ये answer आपको मिलेगा। Now अब इसमें last question है, बड़ा important question है, मैं लास्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स इन प्योर इन पर क्यूबिक मीटर इज 5 × 10⁸ पर क्यूबिक मीटर, दिस आर नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, दिस इज डोप्ड साइमल्टेनियसली बाय 5 × 10⁻²² एटम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ आर्सेनिक। इसमें आप 5 × 10⁻²² एटम्स डालते हो किसके, आर्सेनिक के, विच इज पेंटावेलेंट, एंड 5 × 10⁻²० एटम्स इसमें आप डालते हो किसके, इट्स डोप्ड विद इंडियम,
कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो आपने इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन निकालना है, होल कैरियर कंसंट्रेशन निकालना है। एन आई इज गिवन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज 1.5 × 10⁻⁙ पर क्यूबिक मीटर। और आपने बोला ये रिजल्ट एक सेमीकंडक्टर एन टाइप होगा कि पी टाइप होगा। चलो देखो, आर्सेनिक पेंटावैलेंट है, इंडियम ट्राइवैलेंट है। अगर ये दोनों होते यहां पे पेंटावैलेंट तो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बनता एन टाइप। अगर ये दोनों इसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज होती तो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर आ जाता पी टाइप। लेकिन यहां पर क्या है, एक है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, दूसरी है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। इसलिए यहां पे आपने ख्याल रखना है कि रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर क्या आएगा। अब देखो इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज कितनी है, 5 × 10⁻²। इसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज कितनी है, 5 × 10⁻²। ज्यादा इंप्योरिटीज किसकी है, पेंटावैलेंट की इंप्योरिटीज ज्यादा है, इसलिए रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर एन टाइप आएगा। रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर विल बी एन टाइप, क्योंकि इसमें एन डी यानी जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज है वो ज्यादा है किससे, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज से। तो इसलिए रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर का क्या आ जाएगा, एन टाइप। अब यहां पे हमने डोनर कंसंट्रेशन क्योंकि एन टाइप आ गया तो मेजॉरिटी कैरियर्स विल बी इलेक्ट्रॉन्स एंड डोनर कंसंट्रेशन विल बी अराउंड इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन। जरा मुझे बताएं यहां पे आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आपने डोनेट किए हैं, 5 × 10⁻²² एटम्स। जब आप इसमें डालते हो तो दैट मींस इतने इलेक्ट्रॉन्स आप देते हो, लेकिन आप इसमें ऐड करते हो 5 × 10⁻²० इंडियम एटम्स, यानी इतने होल्स भी आप इसको देते हो। सो दैट मींस 5 × 10⁻²० होल्स पहले उन इलेक्ट्रॉन्स को नलीफाई करेंगे, तो नेट जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होंगे, इट विल बी 5 × 10⁻²² - 5 × 10⁻²० ये यहां पर आएगा पर क्यूबिक मीटर। ये यहां पर बचेगी इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन। देखो असल में इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन यहां पे थी 5 × 10⁻²², लेकिन आपने इसमें होल्स भी ऐड किए, होल्स आपने कितने ऐड किए, 5 × 10⁻²० तो नेट इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, 5 × 10⁻²² - 5 × 10⁻²० तो ये बचा यहाँ पे ND और NE विल बी इक्वल टू, देखो 5 × 10⁻²० यहाँ पे 5 × 10⁻²², इसको मैं लिख सकता हूँ 100 × 10⁻²० या ऐसे 5 × 10⁻²² × 10⁻²² होगी ना 5 × 10⁻²− 5 × 10⁻²० देखो 10⁻², 10⁻², 10⁻², वो यही है यहाँ पे। सो अब देखो यहाँ पे 5 × 10⁻²० में कॉमन ले सकता हूँ, 5 × 10⁻²० हम कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचा यहाँ पे 10⁻², दैट इज 100, 100 माइनस यहाँ पे बचेगा 1, 100 - 1 = 99, सो इट इज 5 × 99 × 10⁻²० पर क्यूबिक मीटर। देखो 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45, 45 = 49, सो इट इज 4.99 × 10⁻²² पर क्यूबिक मीटर। 4.99 × 10⁻²² पर क्यूबिक मीटर आएगा इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन या डोनर कंसंट्रेशन। तो अब मुझे बताए NH कितना आएगा, NH will be equal to Ni square divided by Ne. Ni is 1.5 × 10⁻⁙ per cubic meter, divide the whole square divided by Ne is 4.99 × 10⁻². So ये बचेगा 10⁻³, 10⁻³, 10⁻². So 10 cancel होंगे तो 10⁻¹० बचेगा, 32, 22 कैंसिल होंगे तो 10 बचेंगे, एक पर क्यूबिक मीटर कैंसिल होगा, पर क्यूबिक मीटर बचेगा और बचेगा 1.5 का स्क्वायर इज 2.25 डिवाइडेड बाय 4.99 × 10⁻¹० पर क्यूबिक मीटर। तो अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे होल कंसंट्रेशन मिली, यहाँ पे दिस द होल कैरियर कंसंट्रेशन, दिस द इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन, और रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर क्या बना, एन टाइप, क्योंकि इसमें ज्यादा थे डोनर कंसंट्रेटर्स ज्यादा थे इसमें, तो इसमें ज्यादा पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज थी, इसलिए रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर क्या बना है, एन टाइप। अगर इसमें ज्यादा आ जाते इंडियम के तो ये बनता है यहाँ पे पी टाइप। सो ये यहाँ पे है दिस ऑल अबाउट दिस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स या कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स या प्योर सेमीकंडक्टर्स में, यही क्वेश्चन इसमें बनते हैं।
और आपने थोड़ी सी और इसमें प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन दिस. सो इससे बाहर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है. सो नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, दैट्स पीएन जंक्शन डायोड. थैंक यू.